तो ये लिंक मैं आपके माता जी को फॉरवर्ड करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अब जाएगा ये फॉरवर्ड होगा। आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह के बज गए हैं 8 और ये राहुल भाई रात में, ये आप देख सकते हैं इनको, ये हुडी वगैरह पहन के सोते हैं इनको, मतलब आप देख सकते हैं, ये देखो आप इनका मतलब इतना सही, देखो आप देखो, मैं बहुत ही थका हूँ गाइस। ये कहते हैं कि मतलब बढ़िया कपड़े अगर पहन के सो तो रात में सपने में मतलब ये कुछ मतलब अब इतने अच्छे कपड़े पहन के सोने का मतलब ही है। हाँ वैसे मेनली ये ठंड के लिए है कि इस समय ठंड काफी बढ़ रही है, तो रात में अगर इनर वगैरह भी है तो आप भी पहन के सोएं, क्योंकि रात में ठंड अगर लग जा रही है तो फिर काफी ठंड है। तो चलते हैं गाइस चाय पीने, चलते हैं चाय पीने। ये हो गई है हमारी सुबह वाली चाय, और राहुल भाई के साथ कल रात में एक ट्रेजडी हो गई थी, आपको शेयर करता हूँ मैं। आपका क्या खाने का मन था कल नाइट में? अंडा करी। कल राहुल भाई का रात में एग करी खाने का मन था, लेकिन यहाँ पे अंबिकापुर में इनके रिलेटिव रहते हैं, तो रिलेटिव के घर पे गए तो इनको वहाँ पे खाने को मिली गोभी की सब्जी, वो भी पूड़ी के साथ। तो ये शायद यहाँ का छत्तीसगढ़ में मतलब मेन कोर्स है, मतलब नाइट का मतलब खाना है, तो पूड़ी के साथ गोभी की सब्जी खा के आया भैया। और इनका मतलब सुबह से कह रहे थे कि अंडा कड़ी एग करी रात में खाऊंगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया इनका रास्ता। कोई नहीं, आज कोशिश करते हैं कि एग करी भैया को मिल जाए। तो चलते गाइस अभी होटल में तैयार होके फिर निकलना है आगे की तरफ आज। तो फ्रेंड्स ये हो गए हम रेडी, और सुबह के बज गए 10:30, तो अब चल रहे इधर कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे भाई साहब। तो नाश्ता करके निकल गए हम, और ये राहुल भाई, ये क्या राहुल भाई ठंड में ये कोल्ड ड्रिंक क्यों है हाथ में? ठंड पा तो ठीक है, 20% गैस, लेकिन ये ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप? आपके घर पे किसी भले इंसान ने मुझे बोला कि उसे पेप्सी पीना है, हाँ, और उसने खरीदा और मेरे हाथ में देने के बाद सारे आरोप मेरे ऊपर ही। कहीं वो भला इंसान मैं तो नहीं, शायद आप ही हैं। नहीं तो फिर लगता है ये वीडियो मतलब आज के व्लॉग में तो पड़ी जानी है, तो ये लिंक मैं आपके माता जी को फॉरवर्ड करूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अब जाएगा ये फॉरवर्ड होगा। आप कैमरा बंद होने के बाद तो पियेंगे ही। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी त्याग दिया मैंने। और गाइस राहुल भाई कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में कह रहे हैं कि गाइस सब्सक्राइब करते नहीं है वीडियोस देख के ऐसे ही। आपको अगर हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। सही बात है, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, दबा के डिसलाइक करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लाइक या डिसलाइक कर पाएंगे। तो डिसलाइक, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें। और फिर से हम चढ़ रहे हैं पहाड़ की तरफ, अब आगे निकल रहे हैं इधर पत्थल गांव, जगह का नाम है पत्थल गांव, जो कि जसपुर जिले में आता है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। और रोड तो कंस्ट्रक्शन, ओ हमारी बात लग रहा है कल यहाँ की कांग्रेस सरकार ने सुन ली क्या, रोड कंस्ट्रक्शन होने लगा, बहुत सही। अभी कल हम कल के ब्लॉग में गाइस आप देखेंगे कि कल अभी अंबिकापुर साइड में आप देख रहे हैं, अच्छा पैचिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर दे कम से कम रोड सही हो जाए। आप देख सकते हैं पैचिंग तो चालू है रोड की, बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, चलते हैं गाइस आगे। तो फिर ये अब आ गए इधर यहाँ पे डीजल लेने, डीजल टैंक करा के फुल, पर्ची निकलवा ली, पर्ची दे दी।
तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 5 और हम पत्थल गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से लेकिन अंधेरा काफ़ी हो रहा है, ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो चल के वहाँ पे होटल में रुकना है क्योंकि इसके आगे बढ़ना सही नहीं है। तो 4-3 क्लाइंटों से मीटिंग हुई हमारी, लेकिन आगे का देखते हैं क्या प्लान है। तो आज चल के केवल स्टे करना है पत्थल गांव में, तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पत्थल गांव में। तो अभी बज रहे हैं 8, तो थोड़ी देर में चलेंगे हम, नाश्ता डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर कल का है प्लान हमारा आगे का। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।